तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब हमारे सूर्य भगवान धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं और टावर है उसी के बगल से। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी लालिमा के साथ अपने वो प्रकाश को उत्सर्जित करेंगे, निकल रहे हैं और पूरे धरती पर फैलाएंगे। अब देखिएगा, आप देख लीजिए उनको एक बार और फिर से कैसे वो निकल रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक मोबाइल छोटा सा लिया हूँ उससे कितना भी जूम कर सकता हूँ, मतलब उनके पास नहीं जा सकता हूँ। बस थोड़ा सा और है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं आपको दिखा दिया हूँ पूरा, देख लीजिए कैसे वो निकल रहे हैं। आप पूरा ध्यान से देखिए और उनका दर्शन कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। अपने लाइफ की जो भी मतलब टारगेट है उनको पूरा करने के लिए उनसे आशीर्वाद लीजिए सूर्य भगवान से, ठीक दोस्त। देखते रहिए कैसे धीरे धीरे वो पेड़ों के ऊपर आ जाएंगे। देखिए आप उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत ही अच्छे देवता हैं जो कि इस प्रकृति को संभालते हैं, जिससे इनके प्रकाश से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। हम तो नहीं बना पाते हैं लेकिन हमको भी इनसे लाभ होता है। जैसे बताया कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए मतलब लाभदायक होती है, हड्डियों के लिए, इसलिए इनसे तो बढ़िया। देख लीजिए कैसे निकले, पूरा लाल हो रहे हैं। धीरे धीरे आपको मैं थोड़ा सा अब देखिएगा चारों बगल का नज़ारा। धीरे धीरे अब हम आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत, चारों ओर ग्रीनिश ग्रीन ही ग्रीन, ग्रीनिश दिखाई दे रही है। इधर मेरा पंपिंग सेट चल रहा है, अगर मैं उसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं उसको। जैसे मतलब मैं अकेले था इसलिए सोचा कि मतलब आप लोगों का भी दर्शन करा दें सूर्य भगवान से। और इधर देखिए एक काली मंदिर है हमारे उधर, उसको भी थोड़ा मैं जूम करके मतलब थोड़ा पास ला सकता हूँ, मगर उधर भी कोई मतलब जानते हैं गांव देहात है तो इसमें थोड़ा सा मतलब बाहर शौच के लिए लोग आते हैं सुबह में, बाटल में पानी लेंगे और चल देंगे। इसलिए मैं थोड़ा फिर से सूर्य भगवान को अब दिखाऊंगा बढ़िया से। देखिए थोड़ा सा भी मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यह बारिश होने की संभावना है, पूरी बढ़िया तरीके से धूप खिलने की संभावना दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ पर बारिश की अत्यंत बहुत आवश्यकता है, लेकिन अब भगवान के ऊपर है क्या करते हैं, या प्रकृति के ऊपर, मतलब हमारे गाँव में लोग भगवान के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। देखिए चारों तरफ कुछ लोग मतलब दो चार लोग अब धीरे धीरे मतलब शौच के लिए इधर उधर जा रहे हैं इधर खेत में, क्योंकि मतलब इधर पूरा शुद्ध वातावरण, सुबह का हवा। देखिए धीरे धीरे पत्तियां कैसे हिल रही हैं, धानों की पत्तियां देखिए सुंदर, एकदम मीठी हवाएं चल रही हैं सुबह सुबह। लेकिन अभी 10 बजे के बाद से मतलब यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, इतनी तेज़ धूप पड़ेगी कि मतलब बता नहीं सकते हैं। आप इसी से एक्सपेक्टेशन कर लीजिए कि मतलब धान की पत्तियाँ इतनी तेज़ धूप हो रही हैं कि धान की पत्तियाँ ब्राउनिश कलर की हो रही हैं धीरे धीरे। अगर यह मतलब बारिश नहीं हुआ तो फिर यहाँ का माहौल चेंज हो जाएगा और चारों तरफ मतलब धान की पैदावार में उपज में चारों तरफ से। आप देखिए एक बार और सूर्य भगवान को मैं दिखा रहा हूँ, कितना बढ़िया नज़ारा, वाओ गुड। वहाँ पे एक टावर है उसी के बगल में दिखाई दे रहे हैं।
आपने तो देख लिया सूर्य भगवान को निकलते हुए लाइव, लेकिन मैं लाइव प्रचार कर रहा हूँ सूर्य भगवान को दिखाने की। अभी वो टावर के मतलब ऊपर चले जाएंगे तो फिर थोड़ी सी धूप होगी। थोड़ा सा मैं एक फ़ोटो क्लिक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद से फ़ोटो क्लिक करके थोड़ा गुड मॉर्निंग भेज दे रहा हूँ फ्रेंड व्रेंड जो भी हैं, क्योंकि ऐसा माहौल फिर नहीं मिलेगा। आए गांव पे तो थोड़ा सा बना लिया हूँ वीडियो, नहीं तो शहर में तो मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा जॉब से या पढ़ाई से जो भी हो। एक बार मैं अपने पंपिंग सेट को थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स।